पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिः शान्तिः आपः शान्तिः शान्तिः औषधयः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः शान्तिः क्रोधः शान्तिः शान्तिः ब्रह्मः शान्तिः शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामशान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। तुम्हें राज्य की कामना थी न स्वर्ग की, फिर किस कामना से तुम उनका साथ दे रहे हो जो मगध के शत्रु हैं? ना ही मुझे राज्य की कामना थी न स्वर्ग की और ना ही जीवन की। तो फिर तुम उनका साथ क्यों दे रहे हो जिन्हें अभी तक मर जाना चाहिए था? किन्हें भागुराए? उन्हें जो मगध के भीतर हैं या उन्हें जिनका आज तक मगध की भूमि ने पोषण किया है, वे जो मगध के ग्रह शत्रु हैं? या तुम्हें भी यह भ्रम हो गया है कि जो नंद के विरुद्ध है वो मगध के साथ नहीं है, जो नंद निष्ठ नहीं है वो मगध के प्रति निष्ठावान नहीं है? कौन मगध का शत्रु है और कौन मगध का मित्र है, इसका निर्णय कौन करेगा कि कौन मगध का शत्रु है और कौन मगध का मित्र है? तुम जानना चाहते हो ना कि मैं किसके साथ हूं, तुम जानना चाहते हो ना कि मैं किसके पक्ष में हूं, नंद के अथवा आचार्य विष्णुगुप्त के? तो सुनो भागुराय, मैं मगध के पक्ष में हूं। मेरी निष्ठा इस भूमि के प्रति है। ना मैं नंद के प्रति कभी निष्ठावान था और ना ही आचार्य के प्रति। मैं सदैव इस भूमि के प्रति निष्ठावान रहा हूं और सदैव इस भूमि के प्रति रहूंगा। तुम चाहते हो ना कि मैं उनका विरोध करूं जो मगध के शत्रु हैं? तुम चाहते हो ना कि मैं विष्णुगुप्त का विरोध करूं? यदि वो मगध का शत्रु है तो मैं अवश्य करूंगा। पर मुझे इतना बताओ, जब तक सत्य और असत्य का निर्णय नहीं हो जाता, मैं मगध किसके हाथों सौंपू? मगध की सुरक्षा का दायित्व किनके हाथों में दूं? मेरे लिए नंद और विष्णुगुप्त से मगध बड़ा है मेरे बंधु। बोलो, मैं इसे किसके सारे छोड़ दूं? मैं मर सकता हूं मगर उससे क्या सत्य की विजय हो जाएगी? मैं औरों को मार सकता हूं मगर क्या उससे सत्य की विजय हो जाएगी? मैं भाग सकता हूं मगर क्या उससे सत्य की विजय हो जाएगी? कहो मैं क्या करूं? यदि तुम्हें लगता है कि मैं मातृद्रोही हूं तो मेरी हत्या कर दो।
या मेरा साथ तो इस भूमि की अंतर एवं बाह्य शत्रुओं से रक्षा के लिए। मगध की रक्षा के लिए मुझे उनकी योजनाओं को समझना होगा और इसीलिए मुझे उनका साथ देना होगा। सब कुशल है भगवान। अमात, समझ में नहीं आ रहा अमात कि सच क्या है, किस पर विश्वास करूं किस पर अविश्वास करूं। पराजित मन से मुक्ति पाने के लिए आत्मघात करूं या प्रतिशोध लूं, क्या करूं मैं अमात, क्या करूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं भगरायण कि हमें थोड़ा और विचार करना है, हमें स्वयं इस आघात से संभलना है और दूसरों को इस आघात से संभालना है। निर्णायक युद्ध अभी शेष है भगरायण, फिर शीघ्रता क्यों, अविवेकपूर्ण आचरण क्यों। चलो, हमें बहुत दूर तक जाना है। आप भगरायण देव, अक्रूर आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहा है। कल प्रातः वह मेरे दर्शन के लिए आ सकता है। देव, सूचना महत्वपूर्ण है। अक्रूर को भीतर भेज दो। क्या सूचना है अक्रूर? आर्य, कुमार चंद्रगुप्त के लिए पाटलिपुत्र से एक विशेष दूत आया है। क्या सूचना है? दूत कुमार चंद्रगुप्त के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को सूचना देने को तत्पर नहीं है। उसे मेरे समक्ष ले आओ, पर सावधानी से। जो आज्ञा देव। दूत, क्या सूचना लाए हो? राजपुरुषों को शिष्टाचार की मर्यादा का उल्लंघन करना शोभा नहीं देता आर्य। यदि मैं राजनीतिक शिष्टाचार से बाध्य नहीं होती तो अब तक तुम्हारी धृष्टता का दंड तुम्हें मिल चुका होता। अपने दूत कर्म का निर्वाह करने के लिए मैंने तुमसे कुमार के शिविर तक का मेरा मार्ग प्रशस्त करने की प्रार्थना की थी, पर अब तुम्हें आज्ञा दे रही हूं। भविष्य में इसका पुनरावर्तन ना हो। हो
प्रणाम कुमार। प्रणाम। शुणोत्रा, मैं आर्य की सेवा में नियुक्त आपकी विशेष सेविका हूँ। कुमार के पाटलिपुत्र आगमन के पश्चात मैं अपने दायित्व को ग्रहण करूंगी। इस समय आचार्य विष्णुगुप्त का विशेष संदेश ले मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। तुम्हें इस सूचना के लिए पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिए शुणोत्तरा। प्रणाम कुमार। प्रणाम आर्य। आर्य ने वीर बाला का परिचय नहीं दिया। आप शुणोत्तरा हैं, मेरी सेवा में नियुक्त हैं। प्रणाम वीर बाला। कुमार, मैं यह सोच कर व्यथित हो रहा था कि आचार्य का पाटलिपुत्र से कोई संदेश नहीं आया। आर्य, शुणोत्तरा वही शुभ सूचना लेकर तो आई है। हमें कल ही नगर में प्रवेश करने का आदेश आचार्य ने दिया है। कुमार, आदेश देने वाले आचार्य विष्णुगुप्त कौन है? अर्थात? आचार्य ने आदेश दिया पर उसका पालन करना न करना इसका निर्णय कौन करेगा कुमार चंद्रगुप्त? आर्य, आप जो कहना चाहते हैं स्पष्ट कहें। सेवकों की उपस्थिति में सम्राटों का आमंत्रणा करना राजनीति के शिष्टाचार के विरुद्ध होता है कुमार। मेरे लिए क्या आज्ञा है देव? अनुज, क्षमा करें देव, आपकी आज्ञा पाते ही हम आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होंगे। क्रोध मत करो कुमार, तुम्हारे क्रोध करने से सत्य तो नहीं बदल जाएगा। आपकी छाया में सत्य कैसे सुरक्षित रह सकता है यार? सत्य तो यही है कुमार, सत्य तो यही है कि मगध के भावी सम्राट तुम और मैं हूं, या तुम या मैं हूं। निर्णय तुम्हें करना है कुमार। क्या मैं आपसे स्पष्ट कथन की अपेक्षा कर सकता हूं आर्य? कुमार, जब तक आचार्य विष्णुगुप्त मुझे मेरे भाग के राज्य का वचन नहीं दे देते तब तक न मगध में मैं प्रवेश करूंगा न तुम्हें करने दूंगा। इस विषय पर विवाद की आवश्यकता ही क्या है? मैं आपको वचन दे चुका हूं, फिर भी। वचन तुमने दिया है, आचार्य विष्णुगुप्त ने नहीं। और कुछ ही क्षणों पूर्व तुमने आचार्य के आदेश का उल्लेख किया था। कुमार, मैं जानता हूं कि निर्णय तुम नहीं वह कुटिल ब्राह्मण करता है। अतः जब तक वह कुटिल ब्राह्मण अभिसंधि पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर लेता मैं तुम्हें पाटलिपुत्र में प्रवेश करने नहीं दूंगा। पर आपको मेरे आचार्य पर विश्वास क्यों नहीं है? क्योंकि वह विश्वास के योग्य नहीं है। पर मैंने आपको वचन दिया है। कुमार, अभी तक मात्र तुमने वचन दिया है, राज्य नहीं। और राज्य देने का सामर्थ्य तुम्हारे पास नहीं, आचार्य विष्णुगुप्त के पास है। इसलिए वचन भी उसे ही देना होगा। आर्य, आपका ये व्यवहार प्रशंसा के योग्य नहीं है। मैं जानता हूँ कुमार, पर मुझे प्रशंसा की नहीं राज्य की कामना है। क्या अभिसंधि पर हस्ताक्षर करना इतना अनिवार्य है कि आप कुछ समय की प्रतीक्षा नहीं कर सकते? सुअवसर किसी की प्रतीक्षा नहीं करता कुमार। शुणोत्तरा का आगमन सुअवसर का संकेत नहीं तो और क्या है कुमार? क्यों ना इसी बहाने में आचार्य के दर्शन भी कर लूं? आप आचार्य से मिलना चाहते हैं? तुम चतुर हो कुमार, अब तुम्हें आपत्ति न हो तो तुम शुणोत्तरा द्वारा आचार्य तक पहुंचने का मेरा मार्ग प्रशस्त कर दो। मैं पुनः एक बार आपको इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की प्रार्थना करूंगा। कुमार, मित्रता में औपचारिकता का स्थान क्या? तुम चाहो तो मुझे आज्ञा दे सकते हो। उर्मिल, मैं
मैं शोणोत्तरा से मिलना चाहता हूं। जो आ गया कुमार। शोणोत्तरा, आर्य पौर राज को शीघ्रातिशीघ्र आचार्य की सेवा में प्रस्तुत करो। जो आज्ञा कुमार। आभार कुमार, शीघ्र ही तुम्हारे सानिध्य को प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। प्रणाम। बचपन का मित्र, तुम्हारे स्थूल का अग्रज विष्णु, महामंत्री शक्तार का पुत्र श्रीयक। प्रणाम मंत्रीवर। मैं श्रीयक हूं विष्णु। प्रसन्नता हुई मुझे कि आपने मुझे अपने मंत्रिमंडल में मंत्री पद के लिए योग्य समझा। धन्यभाग्य होता मैं जो आपके नेतृत्व में अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए स्वयं को समर्पित कर पाता। पर मेरी भी कुछ विवशताएं हैं। आशा है कि आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे। क्यों नहीं विष्णु, तो बोलता क्यों नहीं? तुम यही चाहते थे ना कि मैं पुनः पिता के पास वापस जाऊं? मैं पुनः पिता के पास वापस जा रहा हूं विष्णु। अब तो तुम प्रसन्न हो ना? जब मेरी आवश्यकता हो बुला लेना। आचार्य, आचार्य, रात्रि का अंतिम प्रहर प्रारंभ हो चुका है, अब तो विश्राम कीजिए। मेरे लिए अभी विश्राम का समय नहीं हुआ है शारंगराव। मुझे जागने दो शारंगराव। मुझे अभी अनेक विपत्तियों की प्रतीक्षा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हें क्या दंड दूं विष्णुगुप्त। तुम मेरे क्रोध के भी पात्र हो और स्नेह के भी। कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है। मगध की राजनीति से आपका प्रयाण आपके लिए सुखद हो आचार्य, और आचार्य अपना मार्ग चुनने में समर्थ हैं। आज्ञा की प्रतीक्षा तो मुझे है। मैं तुम्हारे चुने हुए मार्ग की प्रशंसा तो नहीं करूंगा, पर तुम्हें प्रत्यावर्तन के लिए भी नहीं कहूंगा। मगध को उज्ज्वल भविष्य दो, यही तुमसे प्रार्थना है आचार्य।
आचार्य, शुणोत्तर आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही है। पौरवराज का आगमन हुआ है। हाँ आचार्य, चलो। प्रणाम आचार्य। प्रणाम आचार्य। कहो कैसे आना हुआ? आपको मगध विजय के लिए अभिनंदन देने की इच्छा प्रबल हो रही थी आचार्य, अतः कुमार से पूर्व आपको इस अतुलनीय कार्य के लिए अभिनंदन देने चला आया। पर आचार्य, आपकी प्रतिक्रिया बता रही है कि आपको मेरा अभिनंदन स्वीकार नहीं। नहीं। क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं आर्य? सोच लीजिए आचार्य, आपके इस व्यवहार से हमारे भावी राजनैतिक संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। आप जो समझ रहे हैं, मैं वो पौरव राज मात्र नहीं हूं, मैं आधे मगध का स्वामी हूं। आश्चर्य हुआ ना? आपने अपनी विजय के लिए मेरा अभिनंदन स्वीकार नहीं किया, पर यदि आप मेरी विजय पर अभिनंदन देंगे तो मैं उसे अस्वीकार नहीं करूंगा। आप कुछ कह नहीं रहे हैं आचार्य? मुझसे क्या चाहते हो? वचन। कैसा वचन? यही कि मगध का आधा राज्य आपने मुझे समर्पित किया। तुम मुझसे अपेक्षा कैसे रख सकते हो पौरवराज? औपचारिकता। मैं औपचारिकताओं का पालन करने में विश्वास करता हूं। वचन तो मैं प्राप्त कर ही चुका हूं, आपसे नहीं, कुमार चंद्रगुप्त से, और थोड़े समय पश्चात आप भी वचन देकर राजनैतिक परंपराओं का निर्वाह कर ही देंगे। पौरवराज, चंद्रगुप्त ने तुम्हें क्या वचन दिया है? क्यों, सांप सूंघ गया ना, खिसक गई ना पैरों तले की जमीन? पहले शिष्य ने वचन दिया था, अब आचार्य भी देगा। तुम जा सकते हो पौरवराज। आपके प्रश्न का उत्तर दिए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ आचार्य? आप जानना चाहते थे ना कि कुमार ने मुझे क्या वचन दिया है, तो सुनिए। कुमार ने कुमार के मगध विजय के अभियान में उनकी सहायता करने के लिए मुझे आधे राज्य का वचन दिया है, और ये पुरस्कार नहीं पारिश्रमिक है। इसी प्रकार अन्य नरेशों को इच्छा पूर्ति का वचन। यदि तुम कुमार से वचन प्राप्त कर ही चुके हो तो तुम्हें मेरे वचन की क्या आवश्यकता है? जैसे आचार्य सोचता है वैसे ही शिष्य भी सोचता है, यही प्रश्न मुझसे कुमार ने भी किया था। आचार्य, मैं जानता हूं कि कुमार के शब्दों को पूर्ण करने का सामर्थ्य आप में ही है, कुमार में नहीं। इसलिए जब तक आप अभिसंधि पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर देते, मैं कुमार को पाटलिपुत्र में प्रवेश करने नहीं दूंगा। यदि आपने बल का प्रयोग किया तो मैं उत्पात करने के लिए स्वतंत्र हूं। इसलिए शुभ कार्य में विलंब क्यों कर रहे हैं? उषा का आगमन हो रहा है, शुभस्य शीघ्रम, संकल्प का जल लीजिए और वचन दे दीजिए। मैं तुम्हें वचन नहीं दे सकता, और यदि चंद्रगुप्त ने तुम्हें वचन दिया है तो उसे भी तुम्हें वचन देने के अपराध का दंड मिलेगा। आप चंद्रगुप्त के वचन का उल्लंघन करेंगे? मगध मेरी मातृभूमि है, और मातृभूमि का राजनीति की चौखट पर विभाजन नहीं हो सकता। कोई अधिकार नहीं है कुमार चंद्रगुप्त को मेरी मातृभूमि के विभाजन का वचन देने का। इस विचार के लिए भी मैं तुम दोनों को दंड देता, पर कुमार के स्नेह के कारण मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तुम जा सकते हो। विचार कर लीजिए आचार्य, कुमार वचन भंग की पीड़ा को सह नहीं पाएंगे। मातृभूमि के विभाजन की पीड़ा से मेरे लिए कुमार की पीड़ा बड़ी नहीं है पौरवराज। तो मैं कुमार को क्या सूचना दूं? कहना कि मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। मैं जा रहा हूं आचार्य, पर आपको इतना स्मरण करा देता हूं कि इस लूट को आप अकेले नहीं पचा पाएंगे। जिसे आप मातृभूमि कहकर पुकारते हैं, मेरे लिए तो लूट ही है। विद्वान अलंकारों का प्रयोग करते हैं और साधारण यथार्थ का। आप किस किस को मूर्ख बनाएंगे? के राज को क्या उत्तर देंगे? इसका उत्तर मैं के राज को ही दूंगा। मैं जानता हूं, ननौमन तेल होगा
न राधा नाचेगी। तुम चतुर ही नहीं कुटिल भी हो विष्णुगुप्त, पर मैं तुम्हारे षड्यंत्रों को सफल नहीं होने दूंगा। मत भूलो कि मैं के राज का प्रतिनिधि हूं और मगध नेतृत्व का पहला अधिकार मेरा ही है, पर तुम मुझे उससे भी वंचित करोगे। ठीक है, मैं जा रहा हूं, अब निर्णय कुमार ही करेंगे, पर मैं इस तरह पराजय स्वीकार करने वाला नहीं हूं विष्णुगुप्त। शीघ्र ही पुनः भेंट करूंगा। प्रणाम आचार्य। शारंगराव, सुसिद्धार्थक को मुझे संपर्क करने को कहो। सत्यं ब्रह्मत्रितं उग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवी धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यतस्य पत्नी उरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु। सत्यं ब्रह्मत्रितं उग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवी धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यतस्य पत्नी उरुं लोकं पृथिवी न कृणोतु। सत्यं ब्रह्मत्रितं उग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवी धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यतस्य पत्नी उरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु। सत्यं ब्रह्मत्रितं उग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवी धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यतस्य पत्नी उरुं लोकं पृथिवी नः कृणोतु।